बोलिए सद्गुरुदेव की। परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, मेरे लिए निर्देश हुआ है, थोड़ी देर निवेदन प्रस्तुत है। सद्गुरु ने कहा है, करु बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकश मरी प्यास। ये सद्गुरु कबीर की साखी है। सद्गुरु सबको कहते हैं, ऐ लोगों, हर व्यक्ति के लिए संदेश है, ऊपर बैठे उसके लिए, नीचे बैठे उसके लिए, हर व्यक्ति के लिए एक संदेश है। ऐ लोगों, करो बहिया बल आपनी, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो, छाण बिरानी आस, दूसरे का आशा भरोसा छोड़ दो, जाके आंगन नदिया बहे, जिसके आंगन में नदी बह रही हो, सोकस मरे प्यास, वो भला कैसे प्यासा मरे। सबके लिए एक संकेत है, एक झकझोर देने वाली बातें हैं। हम दूसरे के भरोसे जीते हैं, दूसरे के भरोसे अपने जीवन का बागडोर सौंप देते हैं, हम दूसरे पर आधारित रहते हैं, हम कमजोर बनते हैं, हम अपने जीवन के साथ प्रमाद करते हैं, हम अपने जीवन को गलत तरफ ले जाते हैं। इन सब चीज के लिए संकेत है। सद्गुरु कहते हैं, कर बहिया बल आपनी, ऐ लोगों, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो। हमको अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का मुख्य काम करने के लिए हम भगवान की कृपा सोचते हैं, और भगवान की कृपा क्या कम है? भगवान की कृपा बहुत है। ये भगवान शाश्वत नियम है, प्रकृति की देन है। वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही शाश्वत नियम। जो कुछ हो रहा है नियम के अनुसार हो रहा है, नियम ही भगवान है। ये प्रकृति से हमको पानी मिलता है, पानी का कितना टैक्स बताते हैं हम? प्रकृति से हमको धूप मिल रहा है, धूप का हम कितना टैक्स बताते हैं? ऑक्सीजन मिल रहा है, कितना टैक्स पटाते हैं? ये कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से तो मिल रहा है, ये शाश्वत नियम है। यही भगवान की कृपा है, और कोई भगवान नहीं, आदमी ही भगवान है। लोग कहते हैं कि जो कुछ होगा भगवान के भरोसे होगा, क्या हम लोगों के लिए भगवान की कृपा कम है? पूरे विश्व हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम अच्छे मार्ग पर चलना चाहे तो हमारा अधिक, कई लोग पैर खींचने वाले भी होंगे तो अधिकतम लोग हमारा सहयोग करने वाले भी होंगे, अधिकतम लोग हमारा सहयोग करेंगे। और सबसे प्रथम सहयोग करने वाले प्रकृति है, सूर्य भगवान है, जहां से हमको प्रकाश मिलता है, जहां से हमको आकाश से, हमको वातावरण से, हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। और ये सब होते हुए भी आज भी हम कमजोर बने हुए हैं, कमजोर बने हुए। हम अपना काम सब कुछ कर लेते हैं, खेत का काम हम अपने ईमानदारी के साथ करते हैं, मेहनत का काम ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, जितना मेहनत कर सकते हैं रात और दिन एक कर देते हैं। उसके बदौलत आपको संपत्ति मिलती है, आप गाड़ी खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, धन दौलत बढ़ता चला जाता है। ये सब के लिए आप अपने बाहों बल पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जब आत्म कल्याण की बातें आती है तब भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। आत्म कल्याण की बात आती है तो कह सोचते हैं जो कुछ होगा भगवान की कृपा से होगा। सद्गुरु इसलिए कहते हैं, अपने बाहों बल पर भरोसा रखो। और इस दुनिया में गोरख धंधे करने वाले गुरु लोग भी हैं, जिसे हम कहते हैं धूर्त गुरु, कहते हैं कड़वे शब्दों में,
जो कहते हैं आज यहाँ तुम भगवान के नाम पर हमको दान दो और भगवान के नाम पर यहाँ यज्ञ कराओ, भगवान के नाम पर पूजा कराओ, भगवान के नाम पर ये कराओ, कर्म कांड करवाते हैं भगवान के नाम पर। और पूछा जाता है इसका फल कब मिलेगा, तो कहते हैं जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो भगवान वहां तुमको फल देंगे। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, यहां कर्म करते हैं, यहां हम जो भगवान के नाम पर जो भी कर रहे हैं उसका फल वहां मिलेगा, तो आप मुझे 5,000-50,000 रुपये दीजिए और आप मर जाएंगे, आपका शरीर छूट जाएगा, तो मैं आपको स्वर्ग में 5,00,000 रुपये दूंगा। कोई तैयार होंगे? किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। आप यहाँ 50,000 रुपये दीजिए, आपके मृत्यु होने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, मैं आपको 5,00,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लिख के भी दूंगा मैं। कोई तैयार नहीं होंगे, कहेंगे मरने की बात कौन जानता है, और लेकिन कल्याण की बात आती है तो कहते हैं भगवान की कृपा से होगा। आप भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। यदि आप यदि जीवन में अभी परिवार में आपस में प्रेम से नहीं जीते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, दीरान जेठास लड़ते हैं, सास बहू लड़ते हैं, बाप बेटे लड़ते हैं, और बच्चों को सही संस्कार नहीं देते हैं, सही शिक्षा नहीं देते हैं, भ्रांतियों में कर्म कांड में जीवन को बर्बाद कर देते हैं, अंधविश्वास में जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जीवों पर हत्या नहीं कर पाते हैं, जीव हत्या कर लेते हैं, जीवों पर दया नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपको बाद में मुक्ति मिल सकती है? यदि आपने जीवन भर नर्क का काम किया हो तो बाद में मुक्ति मिल सकती है? भला बाद में मुक्ति मिली है इसको कौन देखा है? ये गोरख धंधा है, आप लोग बच करके रहिएगा। ये जितने गुरु कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्गवास होगा, महाधूर्त गुरु है, आप लोग सब सावधान रहिएगा। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा है? जो जीवन भर बदमाशी किया हो, जीवन भर कर्मकांड किया हो, जीवन भर पाखंड किया हो, जीवन भर अत्याचार किया हो, जीवन भर दूसरे को सताया हो, जीवन भर हत्या किया हो, वो भला मरने के बाद में कैसे उनको मुक्ति मिल सकती है? जो आपस में प्रेम परिवार में रहते रहते भाई भाई आपस में देरान जेठान प्रेम से नहीं जी सकते, भला मरने के बाद में कैसे स्वर्ग मिल सकता है? और मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो निश्चित है कि आप यदि 50,000 रुपये आज देते हैं तो मरने के बाद भी आपको 5,00,000 रुपया मिलेगा। और 5,00,000 रुपया क्या 10,00,000 रुपये देने के लिए हम तैयार हैं? अगर कोई तैयार होता है ऐसा तो हम लेने के लिए तैयार हैं। ये सब दोगला धंधा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कर बहिया बल आपरी छाड़ बिरानी आस, दूसरे का आशा भरोसा छोड़ दो। किस चीज के लिए आशा भरोसा कहते हैं? बाहर में लेन देन के लिए आशा भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म काम के लिए, अपने मन को शोधने के लिए, अपने मन को परिमार्जित करने के लिए और प्रेम की जिंदगी जीने के लिए शुरुआत तो खुद को करना पड़ेगा। खुद के सिस्टम को खुद को बदलना पड़ेगा, अपने मन के कलुष को खुद बाहर निकालना पड़ेगा, अपने मन को खुद को धोना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा हमको भोजन बना करके दे सकता है, दूसरा हमारा बिस्तर बिछा सकता है, दूसरा हमारा कपड़ा धो सकता है, दूसरा हमारे आने जाने का समाधान कर सकता है, लेकिन आत्म कल्याण की काम है, मन को शुद्धि करने की काम है, जीवन को ऊपर उठाने का काम है, खुद को करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। इसलिए आप शुरुआत करिए, आज से मुझे अपने बाहों बल पर भरोसा रखना है। भ्रांतियों में मत पड़िए आप। आपके बिहार में अधिकतम लोगों में देखता हूं गले में ताबीज, हाथों में ताबीज। क्या आपको अपने बाहों बल पर भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है? क्या आप जिस कर्म करते हैं उस पर आपको विश्वास नहीं होता है? आपका ताबीज आपके कर्मों को सुधार सकता है? आपका कर्म खराब है तो कोई आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता है। जिसे हम भगवान राम कहते हैं, उसके पिता राजा दशरथ, और राजा दशरथ के चार पुत्र हुए, चारों योग्य पुत्र, महान योग्य पुत्र, कोई योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन बुढ़ापे के अवस्था में तड़प तड़प करके राजा दशरथ मर जाते हैं। एक गिलास पानी देने वाले कोई पुत्र साथ में नहीं आते हैं। कर्म ही खराब है तो भगवान क्या साथ देगा? उसका पुत्र ही भगवान है, कोई साथ दिया? यदि आपका कर्म खराब है तो लाख मंदिर मस्जिद चले जाओ, लाख भगवान बिठा लो, लाख पूजा कर लो,
कोई काम आने वाले नहीं है। एक ताबीज क्या 10-10 ताबीज पहन लो, कुछ काम नहीं आने वाला है, याद रखिएगा आप। और ये ताबीज देने वाले ना, ये सब बिजनेसमैन है, याद रखिएगा। ये सब बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनका व्यापार चलता है, होता कुछ नहीं है उससे। अभी चर्चा चल रही थी संगम में, लाखों लोग नहाते हैं संगम में, मुख्य स्नान के दिन 3 करोड़ लोग स्नान करते हैं, 3 करोड़ लोग। और संगम में नहाने से अगर मुक्ति मिलती तो आज पूरे विश्व में, पूरा भारत देश मुक्त हो गए होते। लेकिन जैसे संगम से स्नान करके निकलते हैं, आदमी खैनी रगड़ना शुरू कर देता है, बीड़ी पीना शुरू कर देता है, फिर मुक्ति कहाँ मिली। कर्मों का सुधार करिए आप, कर्मों का सुधार करिए। दूसरे के बाहों बल, दूसरे के भरोसे मत बैठिए आप। दूसरे के भरोसे जीवन का नैया पार नहीं हो सकता है। यदि अपनी नैया पार करना चाहते हैं तो स्वच्छंद विचार चाहिए सबसे पहले आपको। ऐसा विचार जिसमें भ्रांति ना हो, ऐसा विचार जिसमें कर्मकांड ना हो, ऐसा विचार जिसमें पाखंड ना हो, ऐसा विचार जिसमें मन को साफ करने की बात कहा जाता हो, ऐसा विचार जिसमें शरीर की शुद्धि और कर्मों की शुद्धि और मन की शुद्धि, तीनों को शुद्धि की बात कहा जाता हो। और आदमी बाहरी शुद्धि कर रहे हैं, बाहरी कर्म कांड कर रहे हैं और जीवन में बेड़ा पार चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं होने वाला है बेड़ा पार। सदगुरु फिर कहते हैं जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। अब नांगा जिसके आंगन में नदी बह रही हो वो प्यासा मरे, बड़ा आश्चर्य की बात है। अब नदी कैसे बह रही है, कोई आदमी नदी में हो और नदी में रह करके प्यास मरे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। और वो साहेब सदगुरु कबीर उस संकेत दिए हैं और सबके सब मूर्ख शायद ना हम जैसे लोगों को कहते हैं। हम लोगों के लिए प्रकृति की ओर से खुला वातावरण मिला है, प्रकृति की ओर से, मैंने पहले ही कहा, प्रकृति की ओर से पानी मिल रहा है, प्रकृति की ओर से धूप मिल रही है, प्रकृति की ओर से हवा, और साथ साथ सदगुरु संत जनों की महान कृपा है। इसी भारत देश में बुद्ध महावीर कबीर ईसा मोहम्मद महर्षि जैसे लोग आए और उन्होंने हम सबको नैया पार लगाने की बात कहे, नैया पार लगाने की बात कहे। पूजा और पाठ में उन्होंने, जप और तप में उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कर्मों की सुधार के बारे में कहे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कोई आदमी पानी में रह करके प्यासा मरे तो मूर्ख ही है, और शायद हम वो मूर्ख न बने। आज हमको सद्ज्ञान मिल रहा है, आज हमको कर्मों को सुधार के बारे में कहा जा रहा है। ऐसा ज्ञान मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा ज्ञान भी नहीं मिल पाता है। बाकी इस दुनिया में तो 80% प्रवक्ता, 80% गुरुजन, यज्ञ हवन कुंड ये सब में, नाना कर्म कांड में आदमी कुल झार रखता है। यहाँ ये तीर्थ यात्रा करो, यहाँ स्नान कर लो, वहां स्नान कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। भला पाप मन में है कि शरीर में है? यदि शरीर मन में, अगर पाप शरीर में होता तो हो सकता था गंगा स्नान करने से धुल जाता, लेकिन पाप तो मन में है, मन को धोने की बात नहीं कहा जा रहा है। और वही गुरु लोग, बड़े बड़े प्रवक्ता लोग इधर से खैनी भी खाते हैं, इधर से मांस भी खाते हैं, इधर से शराब भी पीते हैं और बड़ी बड़ी स्पीच भी करते चले जाते हैं, जीवन में सुधार नहीं होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं अपने कर्मों पर भरोसा रखो आत्मीय बंधु, बाहर देवी और देवता पर, भगवान और भगवती पर भरोसा रखने से जीवन की नैया पार नहीं हो सकती है। यदि बाहर भगवान भगवती और देवी देवता पर, मैं कहता हूँ भगवान है, नहीं है, नहीं, भगवान है और हर क्षण आपके सामने भगवान है। कौन से भगवान है? जीवंत भगवान है, जीवंत भगवान है और भगवान है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपको कोई तकलीफ आती, आपके सामने कोई तकलीफ होती है तो कौन भगवान आकर के आपका सहयोग करते हैं? कौन भगवान है जो मंदिर में बिठाए दुर्गा माता वो आकर सहयोग करती है, या घर में दुर्गा माँ है वो सहयोग करती है? आप याद करिए असली भगवान कौन है। इसलिए भगवान को समझिए। और जब महामारी चल रही थी कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी में सारे भगवान के दरवाजे भी बंद थे, तो कहाँ गए उस समय आपके भगवान? मैं कहता हूँ है भगवान, आपके घर में भगवान है। आपके घर में जितने भी पुरुष है वो देवता है, जितने भी महिला है वो माता है, सब देवी है, उनका पूजा याचना करिए, उनकी आराधना करिए, उनका सम्मान करिए, आपका घर भगवान से भर जाएगा। और आपके घर के मंदिर बना लीजिए, फिर बाहर मंदिर और बाहर भगवान देवी देवता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
आप मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, याचना करेंगे, हो सकता है मंदिर का भगवान आपको आशीर्वाद ना दे, लेकिन घर के भगवान की आप याचना करते हैं, घर के भगवान से आशीर्वाद लेते हैं तो जरूर आपको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि घर के देवी देवता को समझो। यदि जिस व्यक्ति को इंसान में भगवान नजर नहीं आता है, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं मिल सकता है, कहीं भी भगवान नहीं मिल सकता है। अरे जो इंसान में भगवान नजर नहीं आता, उनको पत्थर में भगवान नजर आ जाए, नहीं हो सकता है। क्षमा करिएगा, मेरे लिए कहना सरल है, लेकिन जिसे आप इंसान को भगवान नहीं समझते हैं, वही भगवान ने उस पाषाण को, उस पत्थर के भगवान को बनाया है। कौन बनाया है उसको? आप उसलिए बनाने वाले की पूजा करिए। बन गया उसकी पूजा करने से अच्छा है जिन्होंने उसका निर्माण किया है, जिन्होंने उसकी स्थापना किया है, उस भगवान को पूजिए, फिर उस भगवान की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी, आज जाके आंगन नदिया बहे शोक स्मरे प्यास। आप सबसे निवेदन है कि अपने बाहों बल पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों को सुधारते जाइए। बाहर देवी देवता याचना भगवान भगवती के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। बाहर भूत प्रेत जादू टोना ये कुछ भी नहीं होता है। यदि होता है तो सबके लिए होता है, लेकिन आप सबके लिए ही क्यों होता है? अन्य लोग, कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। इसलिए हकीकत भगवान को समझिए। इस विषय पर और भी चर्चा होगी, और भी सुनेंगे। आखिर ये लोग कैसे वक्ता है जो बिना भगवान, भगवान असली भगवान दूसरे को बताते हैं और भगवान नहीं मानते हैं। आप जिस दिन इस विचारों को समझ जाएंगे, आपके जीवन में आपके एक क्रांति का लहर आ जाएगा। और जिस दिन इस विचार को समझ जाएंगे, उस दिन आपके 80% मुक्ति हो जाती है, क्योंकि आप कर्मकांड और पाखंड से हट जाते हैं। बाकी 20% की मुक्ति अपने मन की शुद्धि, अपने स्वभाव का सुधार से ही आपकी मुक्ति हो सकती है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।